पिछली कक्षा में आपको जनक वृक्ष की डेफिनेशन बताई थी, आज अपन एक प्रमेय द्वारा देखेंगे कि संबद्ध ग्राफ ग्राफ जी आपका एक संबद्ध ग्राफ है, ग्राफ होता है यदि और केवल यदि जी का एक जनक वृक्ष है, जी का यदि एक जनक वृक्ष है तो वो संबद्ध ग्राफ होगा, क्योंकि जी का जो जनक वृक्ष यदि है तो जनक वृक्ष में जी के सारे सीड्स हैं और वृक्ष है, तो इसका मतलब ये आपका संबद्ध ग्राफ होता है, तो जी भी आपका क्या हो गया, संबद्ध ग्राफ हो गया, क्योंकि वृक्ष के किन प्रत्येक शीर्ष युग्म के मध्य एक पथ होता है, तो ये वृक्ष जी का जनक वृक्ष है, तो जी में भी प्रत्येक शीर्ष युग के मध्य आपके पास पथ है। नेक्स्ट विलोम अपन देखें कि जी आपका एक संबद्ध ग्राफ है तो उसका एक जनक वृक्ष भी होगा, जनक वृक्ष है तो इसका मतलब है कि वो आपका जी में जितने शीर्ष हैं उतने शीर्ष वृक्ष के अंदर हैं। तो फर्स्ट अपन संबद्ध ग्राफ ले लें, तो माना कि जी एक संबद्ध ग्राफ है जिसमें एन सीड्स है, कितने सीड्स है, एन सीड्स है, तथा ई कोरे हैं, तब ई की जो वैल्यू है कोरों की संख्या, हम जानते हैं कि ये शीर्षों की संख्या ई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एन माइनस वन होगी, क्योंकि वृक्ष अपन ने देखा था वृक्ष एन शीर्षों के वृक्ष के अंदर एन माइनस वन कोरे होती हैं, तो क्योंकि जी आपका संबद्ध ग्राफ है और वृक्ष जो है एन शीर्षों का संबद्ध ग्राफ होता है उसमें एन माइनस वन कोरे होती हैं, ये न्यूनतम कोरे होती हैं इसके अंदर संबद्ध ग्राफ में, तो ये जो कोरों की संख्या यदि जी आपका संबद्ध ग्राफ है ई कोरे हैं तो ई का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन होगी। यदि ई बराबर एन माइनस वन है तथा जी संबद्ध ग्राफ है तो जी एक वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष एन शीर्षों के वृक्ष के अंदर एन माइनस वन कोरे होती हैं, तो इम्प्लाइज जी जी का एक जनक वृक्ष है, अर्थात प्रत्येक संबद्ध ग्राफ का एक जनक वृक्ष होता है, ये अपना प्रूव हो जाता है। परंतु यदि ई ग्रेटर देन एन माइनस वन है तो इसका मतलब है कि जी एक वृक्ष नहीं है, जी एक वृक्ष नहीं है, क्योंकि वृक्ष जो है वो चक्रीय ग्राफ होता है, ये वृक्ष नहीं है तो इसका मतलब है, या परिपथ रहित ग्राफ होता है तो इसका मतलब है जी के अंदर एक परिपथ है, तो इम्प्लाइज ग्राफ जी में एक परिपथ है, परिपथ है। परिपथ अवश्य है, जी में परिपथ है, और अपन मान ले कि माना E1 इस परिपथ जो भी परिपथ जी में है की एक कोर है, तब जी माइनस E1, जी में से ये E1 कोर निकाल दें
तो जी का एक संबद्ध उपग्राफ होगा। परिपथ में से एक और निकालिए तो संबद्ध ग्राफ का संबद्ध ग्राफ ही रह जाएगा। तो जी माइनस ई वन एक संबद्ध उपग्राफ है जिसमें एन शीर्ष हैं तथा कोरें कितनी हो जाएंगी, एक और कम हो गई, ई पर ई थी इसमें से एक और कम, ई माइनस वन कोरें हैं। अब यदि ई माइनस वन एन माइनस वन के बराबर है, ई माइनस वन है वो एन माइनस वन के बराबर है, तो जी माइनस ई वन एक वृक्ष है। इम्प्लाइज जी माइनस ई वन ग्राफ जी का एक जनक वृक्ष है, जनक वृक्ष है। परंतु यदि e माइनस वन है वो n माइनस वन से ज़्यादा है तो इसका मतलब है g माइनस ई वन वृक्ष नहीं है। वृक्ष नहीं है तो g माइनस ई वन में एक परिपथ है, तो इम्प्लाइज g माइनस ई वन में एक परिपथ है। और मान लें ई टू इस परिपथ की एक कोर है, तब जो जी वृक्ष था उसमें से एक कोर ई वन निकाल दी, दूसरी ई टू भी निकाल दें, जी माइनस ई वन ई टू जी का एक संबद्ध उपग्राफ होगा। उपग्राफ है जिसमें एन सीड्स तथा कोरे पहले ई थी उसमें से दो निकाल दी ई, तो ई माइनस टू कोरे हैं, ई माइनस टू कोरे हैं। अब ये प्रक्रिया अपन बार बार अपनाते जाएं। तो अब देख रहे हैं कि ग्राफ जी में से कोरों के निष्कासन की उपरोक्त प्रक्रिया को ई कोरें थी उसमें से एन प्लस वन कोरें निकाल दें, कोरों के निष्कासन या निष्कासित होने तक जारी रखने पर हमें जी का एक संबद्ध उपग्राफ टी प्राप्त होगा जिसमें एन सीड्स तथा ई कोरे थी पहले ग्राफ जी में, उसमें से e माइनस एन प्लस वन कोरे निकाल दी, तो कितनी कोरे रह गई अपने पास, n प्लस एन माइनस वन कोरे हैं। अतः t एक वृक्ष है जिसमें n सीड्स हैं और कोरे कितनी हैं, n माइनस वन कोरे हैं। तो ये तो टी आपका है जी का एक जनक वृक्ष है। तो सिंस ग्राफ जी में एन सीड्स हैं अतः टी जी का एक जनक, क्योंकि इस टी में भी एन सीड्स हैं जी में भी एन सीड्स हैं तो एक जनक वृक्ष हो गया। जनक वृक्ष है जनक वृक्ष की डेफिनेशन के अनुसार, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ग्राफ टी के अंदर एन सीड्स हैं और ग्राफ जी में भी एन सीड्स थे, ये उपग्राफ है वृक्ष है और इस तो इसका मतलब कैसा हो गया, जनक
वृक्ष हो गया। विलोम ले लें, माना टी जी का एक जनक वृक्ष है, जनक वृक्ष है। अब जी को आपको संबद्ध ग्राफ दिखाना है, तो यदि यू तथा वी ग्राफ जी के कोई दो सेट्स हैं, दो सेट्स हैं, तो इन दोनों शीर्षों के मध्य यदि पथ है तो जी आपका एक संबद्ध ग्राफ हो जाता है। तो इम्प्लाइज यू तथा वी वृक्ष टी में भी उपस्थित हैं, या के भी शीर्ष हैं। और तो इम्प्लाइज यू तथा वी टी वृक्ष है, तो वृक्ष में टी में यू और वी के मध्य एक पथ होता है, तो यू और वी के मध्य टी में एक पथ है, तो ये पथ जी में भी है। तो इम्प्लाइज यू तथा वी के मध्य ग्राफ जी में भी एक पथ है, तो जी कैसा हो गया, संबद्ध ग्राफ हो गया। तो इम्प्लाइज जी एक संबद्ध ग्राफ है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जी आपका संबद्ध ग्राफ है यदि और केवल यदि इसका एक जनक वृक्ष विद्यमान है। नेक्स्ट अपन देखेंगे भारित ग्राफ है, जो कि पिछली कक्षा में आपको बताया था, में जनक वृक्ष, भारित ग्राफ में जनक वृक्ष। भारित ग्राफ जी में जनक वृक्ष टी का भार व टी में उपस्थित सभी कोरों के भार के योगफल, भार का योगफल का योगफल होता है। अतः भारित ग्राफ जी में जनक वृक्ष टी का वार बार टी में उपस्थित सभी कोरों के बार के योगफल के बराबर होता है। अतः भारित ग्राफ जी में भिन्न भिन्न जनक वृक्षों के बार भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होंगे या होते हैं, और भारित ग्राफ का लघुतम जनक वृक्ष या निम्निष्ट जनक वृक्ष किस तरह से डिफाइन करेंगे अपन। तो भारित ग्राफ है उसका जनक वृक्ष में कोर, जनक वृक्ष का जो भार है वो उसकी कुल सभी कोरों का भारों का योग फल होता है। तो भारित ग्राफ में जनक वृक्ष के भिन्न भिन्न जनक वृक्ष हो सकते हैं और उनके बार भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आपका है भारित ग्राफ जी का लघुतम जनक वृक्ष अथवा निम्निष्ट जनक वृक्ष।
shortest spanning tree or minimal spanning tree. भारित ग्राफ का लघुतम जनक वृक्ष या निम्निष्ट जनक वृक्ष, भारित ग्राफ के अपन जनक वृक्ष निकाले, उसमें सबसे न्यूनतम भार का जनक वृक्ष है वो उसका निम्निष्ट जनक वृक्ष या लघुतम जनक वृक्ष कहलाता है। तो भारित ग्राफ, ग्राफ जी के सभी जनक वृक्षों में वह जनक वृक्ष जिसका भार न्यूनतम होता है जी का लघुतम जनक वृक्ष अथवा निम्निष्ट जनक वृक्ष, निम्निष्ट जनक वृक्ष कहलाता है। और निम्निष्ट जनक वृक्ष ज्ञात करने की अपने दो विधियां हैं, क्रशकल की विधि और फ्रेम विधि, वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।